प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस, यानी कि ये जो टर्म है ना दोस्तों ये इस तरीके से बढ़ता हुआ चला गया है, साइन स्क्वायर 89 डिग्री। इसका वैल्यू कितना होगा? ठीक है दोस्तों, एक बात आप लोग समझ लीजिए, ठीक है, ये यहाँ पे जो ये बढ़ता हुआ चला गया है, पहले क्या था साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 2 डिग्री फिर प्लस साइन स्क्वायर 30, मतलब ये 89 तक गया हुआ है। जब कभी भी ये सिचुएशन आप सभी के सामने आए 1 2 3 कर कैसे, मतलब जहां तक भी दे रखे और साइन स्क्वायर है, ठीक है दोस्तों, तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा नंबर ऑफ टर्म्स बाई 2। क्या कर देंगे दोस्तों? नंबर ऑफ टर्म्स बाई 2, बस यही आपको करना है। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं दोस्तों? यहाँ पे देखिए 89 है टोटल ना, 1 से स्टार्ट हो रहा और ये चला जा रहा 89 तक। कहाँ तक? 89 तक। तो दोस्तों इस कंडीशन में हम कर रहा क्या, ध्यान समझिएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा नंबर ऑफ टर्म्स बाई 2, ठीक है दोस्तों। तो नंबर ऑफ टर्म मतलब होता है कुल कितने पद हैं, तो 1 से काउंट करेंगे टोटल 89 टर्म है, 89 बाई 2। तो 89 में अगर आप 2 से डिवाइड करते हैं दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 2 4 जा 8 और यहाँ पे 1 2 5 जा 0, यानी कि 44.5 इसका दोस्तों क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? 44.5। यानी कि हमें नंबर ऑफ टर्म्स को करना है और 2 से दोस्तों डिवाइड कर देना बस, अगर ये कंडीशन दिया हुआ है तो। अब कंडीशन चेंज भी हो सकता है दोस्तों, हमें नंबर ऑफ टर्म को पता लगाना पड़ेगा कितना जो आंसर हो जाएगा दोस्तों। नंबर ऑफ टर्म फार्मूला आप याद रखिएगा, नंबर ऑफ टर्म्स बाई 2। तो नंबर ऑफ टर्म्स टोटल कितने हैं इसमें दोस्तों? इसमें देखिए 5 है 6 फिर 85 तक गया हुआ है, ठीक है ना, कहाँ तक गया हुआ, 85 तक। तो टोटल ये 85 रहता ना, अगर ये जो है 1 से शुरू रहता तो टोटल 85 होता, लेकिन ये 5 से शुरू हुआ, कहीं ना कहीं 4 को मिस कर रहा, तो नंबर ऑफ टर्म कितने होगा दोस्तों? 81/2 हो जाएंगे। 1 से अगर 85 तक रहता तो आप 85 मान लेते, लेकिन यहाँ 1 से नहीं 5 से है, तो कहीं ना कहीं 81 ही होगा। तो 81 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 40.5 आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस को किसी भी एंगल से हम कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन फंसता थोड़ा सा, जो बच्चे नहीं कर पाते हैं, तीसरा भी ट्रिग्नोमेट्री का ही क्वेश्चन है और इसी पैटर्न पर आधारित, इसका आंसर दोस्तों क्या होने वाला है? अब यहाँ पे गैसिंग करके दिया हुआ है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म का पता लगाना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है ना। अगर आपको नंबर ऑफ टर्म नहीं पता लग रहा है, मतलब कुछ भी आप नहीं जानते है ना, तो आप फार्मूला यूज करिएगा TN = A+N-1 × D। ये फार्मूला आप यूज करिएगा, ध्यान से समझ लीजिए, अगर आपको नंबर ऑफ टर्म नहीं पता है ना, ये फार्मूला यूज करिए। TN का वैल्यू मतलब ये लास्ट 89 दिया हुआ है, A का वैल्यू शुरू वाला होता 1 दिया है, N जो है पता लगाना है, ठीक है दोस्तों, N-1 D के जगह पर। ये दोस्तों समांतर श्रेणी अगर आपने पढ़ा होगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तो पता होगा, 5 में से घटा देंगे 4 क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। अब बस 89 है ये, प्लस 1 इधर आकर माइनस 1 = 4 के एन में करेंगे 4n 4 का 1 4 1 जब 4। अब देखिए 89 में से 1 गया 88, ये -4 इधर आकर +4 = 4n। 88 और 4 92 हो जाएगा = 4n। n का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों? 92। यहाँ 4 मल्टीप्लाई कर इधर आकर डिवाइड करेंगे 23 आ जाएगा, n = 23। अब इसका आंसर कितना होगा दोस्तों? यानी कि कुल इसमें 23 पद है, तो ये आंसर कितना हो जाएगा? 23/2 अर्थात 11.5, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से अगर आप करते हैं ना, फिर गलत होने के चांसेस नहीं रहते हैं। अगर आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालने नहीं आता है ना, तो आप इस तरीके से TN = A+N-1 × D कर सकते हैं। ये शुरू वाला A होता है, ठीक है, N निकालना है, D के जगह भाई ये घटा देते 5 में से 4 और लास्ट वाला जो हमारा कह रहा था वो TN कहलाता है, ठीक है। ये तीसरा क्वेश्चन था, टॉप 1 है। अगर √5 फाइंड करना हमें x²+1/x², इसका वैल्यू हमें फिलहाल के लिए क्या करना है दोस्तों? फाइंड आउट करना। दोस्तों एक चीज समझ लीजिए, देखिए दोस्तों यहाँ पे x²+1/x² चाहिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने एलजेब्रा वाली क्लास में बता रखा है, सबसे पहले आप करेंगे x+1/x, ये हो जाएगा 5। कितना हो जाएगा? 5। अब आप लोग कहेंगे सर ये कैसे हो गया, 5 कैसे हो गया? ध्यान से समझ लीजिएगा, जब यहाँ पे √x+1/√x = √5 दिया है, जब आप स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ ना, इधर भी स्क्वायर करेंगे और इधर भी स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो √x का होल स्क्वायर प्लस
वन बाय रूट एक्स का होल स्क्वायर प्लस दो लिखकर इसका जब गुणा तो भी तो करेंगे रूट एक्स इंटू वन बाय रूट एक्स और स्क्वायर से कर दी कैंसिल, पांच बचेगा ये इससे कैंसिल हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये इससे कैंसिल ये इससे कैंसिल, तो एक्स प्लस वन बाई एक्स दोस्तों पांच में से दो जाएगा तीन बचेगा, यहाँ पे हो जाएगा पांच माइनस दो। ये जो प्लस जब इसका आप स्क्वायर करते हैं दोस्तों ना, यहाँ का होल स्क्वायर प्लस दो लिखकर इसका जब गुणा तो भी तो करेंगे रूट एक्स इंटू वन बाई रूट एक्स और स्क्वायर से कर दी कैंसिल, पांच बचेगा ये इससे कैंसिल हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये इससे कैंसिल ये इससे कैंसिल, तो x प्लस वन बाई एक्स दोस्तों पांच में से दो जाएगा तीन बचेगा, यहाँ पे हो जाएगा पांच माइनस दो। ये जो प्लस जब इसका आप स्क्वायर करते हैं दोस्तों ना, यहाँ पे माइनस दो घटता है इसका स्क्वायर करके, ठीक है ना, तो x प्लस वन बाई एक्स कितना पांच में से दो जाएगा तीन हो गया। ठीक है, अब फिर आपको क्या करना है, फिर यहाँ स्क्वायर करना है ना, तो आपको क्या करना है तीन का स्क्वायर करके दो घटा देना बस, तीन तरीका नौ और नौ में से दो जाएगा सात। अगर आपको फिर ये पूछे ना ये किसका वैल्यू आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू आ गया, यानी कि जितना भी आप स्क्वायर करेंगे ना आपको इधर वाले का स्क्वायर करके दो हमेशा घटाना रहेगा, प्लस वाला केस बन रहा है तो। ठीक है दोस्तों, अगर यही पे जो क्वेश्चन हमारा अगर पांचवा मैं कह दूं एक्स माइनस वन बाई एक्स इज इक्वल टू फोर, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर कितना होगा, तो दोस्तों अगर ये माइनस रहेगा ना तो इसका स्क्वायर करके दो हम जोड़ देंगे, ठीक है ना, चार के स्क्वायर चार चौके सोलह, सोलह से मिलकर अठारह, ये कंडीशन बन जाएगा। ये तो हल्के लेवल का क्वेश्चन है, तो सभी बच्चे कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स की तरफ। ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, उसकी तरफ मैं आपको लेकर चल रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, परेशान मत रहिएगा। ये जो क्वेश्चन बताने वाला फिलहाल के लिए ना बहुत ही ज्यादा बार एग्जाम में पूछा गया है, अब ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से इस क्वेश्चन को आप लोग समझ लीजिएगा। चलिए एक क्वेश्चन पूछा जाता है, एक आयताकार यहाँ पे माइनस कर देंगे और यही राशि आयताकार यहाँ पर मैदान में आते हैं, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, उसके चलिए एक क्वेश्चन पूछा जाता है, एक आयताकार पार्क की लंबाई तरीके से जो है क्या किया गया है, पांच मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है, अब इसी का क्षेत्रफल क्या रहा ज्ञात करने के लिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये कंडीशन बन रहा है, तो एकदम रास्ते का जो क्षेत्रफल है ना, एरिया ऑफ वे हो जाएगा दोस्तों, ध्यान से समझिएगा, बस एक फार्मूला याद रख लीजिएगा, 2WL + B - 2W, ये फार्मूला आपको याद कर लेना। ठीक है दोस्तों, 2WL + B - 2W, डब्ल्यू मतलब होता है जो उसके जो पांच मीटर चौड़ा रास्ता है ना, वो डब्ल्यू के जगह पर हो जाएगा, तो यहाँ डब्ल्यू के जगह पर कितना पांच, L की जगह पर मतलब हो गया लंबाई 16, B मतलब चौड़ाई, सॉरी लंबाई है 20, B है 16, यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये, कोई भी डाउट यहाँ पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर ये रास्ता जो है ना अंदर की ओर बन रहा है तो यहाँ पे माइनस कर देंगे, और यही रास्ता बाहर की तरफ बनेगा तो यहाँ पर प्लस कर देंगे, ध्यान से देखिएगा, 2 × W की जगह पर कितना 5 है, L की जगह पर कितना दोस्तों B, प्लस B की जगह पर 16 माइनस 2 गुणे 5, क्योंकि यहाँ W क्या 5 रख रहे हैं, 5 × 2 = 10, 20 और 16 मिलकर 36 माइनस 5 × 2 = 10, तो 10 × 26, 26 × 10 मतलब 260 मीटर स्क्वायर, एकदम इजी क्वेश्चन हो गया। ये तो था इस क्वेश्चन, आपको मतलब ये करना है, ये फार्मूला बस थोड़ा सा याद कर लेना। ठीक है दोस्तों, अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं, किसके तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, तो 7 वाला भी आप देख लीजिए, तो 7 वाले में क्या करना है दोस्तों, ठीक है, और ये चौड़ाई 16 मीटर, इस बार जो है बाहर की तरफ बनाया गया दोस्तों, ये बाहर की तरफ रास्ता, एक आयताकार पार्क की लंबाई 20 मीटर तथा चौड़ाई, वही क्वेश्चन है, यानी कि ये है 20 मीटर ABCD, ठीक है, और ये चौड़ाई 16 मीटर, इस बार जो है बाहर की तरफ बनाया गया दोस्तों, ये बाहर की तरफ रास्ता बनाया गया है, और ये 5 मीटर चौड़ा है, ये 5 मीटर चौड़ा है। अब देखिए ये जो बना हुआ है ना बाहर की तरफ बना हुआ है,
तो जो रास्ते का क्षेत्रफल होगा 2WL प्लस बी प्लस 2W हो जाएगा। बस कहने का मतलब यहाँ पर माइनस था, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो 2 इंटू डब्ल्यू मतलब 5, L के जगह पर 20, B के जगह 16 प्लस 2 गुणे 5 कितना हो जाएगा 2 5 10, 20 और 16 मिलकर 36 प्लस 5 गुणे 10, 36 46, 46 10 मिलकर 460 मीटर स्क्वायर। इस तरीके से आपको ऐसे क्वेश्चन को करने होते हैं, ठीक है दोस्तों। अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक दोस्तों जरूर करें, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8, क्योंकि दोस्तों देख क्वेश्चन नंबर 8 इस तरीके से कभी कभी एक लाइन दे देता है, ठीक है ना, ए ओ पी। और एक बात और, जितना एडवांस मैथ करा उससे ऊपर लेवल ही जाएगा, आप लोग परेशान मत रहिएगा, ठीक है ना। ए ओ पी यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पे है सी, ठीक है, और ये है 2x प्लस 25 डिग्री, ठीक है, और ये दोस्तों 3x माइनस 5 डिग्री। एक बात आप समझिएगा, कभी भी अगर एक लाइन है ना, इस पर 180 डिग्री का एंगल बनेगा, कितने डिग्री का बनेगा दोस्तों, 180 डिग्री का इस पर एंगल बनेगा। यानी कि अगर हम बात करेंगे, इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर एंगल, क्या बोलते हैं, लीनियर एंगल, यानी कि जो है एक रेखीय कोण इसको बोलते हैं हिंदी में, या जी जो रेखीय कोण बोलते हैं, एक साइड में जितना भी रहेगा ना, इनका जो एड रहेगा वो 180 रहेगा। तो क्या करेंगे, 3x माइनस 5 प्लस 2x प्लस 25 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ध्यान से आप समझिएगा, हमेशा आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। अब x x एक साइड में, 3x 2x मिलकर 5x, 25 में से 5 गया प्लस 20 बचेगा इज इक्वल टू 180, तो 5x इज इक्वल टू 180, या प्लस 20 उधर जाकर माइनस 20, तो 5x इज इक्वल टू 180 में से 20 गया 160 बचेगा, x का वैल्यू 160 है, ये 5 मल्टीप्लाई करना इधर आकर डिवाइड करेगा, 5 से ये कट जाएगा दोस्तों, यानी कि x का वैल्यू आ गया 32 डिग्री। पूछ रहा था इस क्वेश्चन में कि x का वैल्यू कितना होगा, तो x का वैल्यू 32 डिग्री। अगर ये पूछ लेता दोस्तों कि एंगल AOC का वैल्यू कितना होगा, तो पता है कितना होगा, x के जगह पे 32 रखिए तो यहाँ पे AOC का वैल्यू निकल जाएगा। एंगल BOC पूछता तो x के जगह पे 32 रख के आप क्वेश्चन को क्या कर लेते दोस्तों, सॉल्व कर लेते, ठीक है ना। अब उम्मीद करता हूँ डाउट नहीं रह जाएगा, ऐसे क्वेश्चन जो है ना आप आराम से क्वेश्चन को कर पाओगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। कर दीजिए, साइन स्क्वायर ए इंटू साइन दे रखा है, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पूछ रहा है। अब करना क्या, एक्स स्क्वायर है ना, यानी कि कहीं ना कहीं इसका स्क्वायर करना, तो क्या करेंगे, साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी प्लस यहाँ वाई स्क्वायर है ना, तो वाई के जगह पर ए है, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी प्लस जेड के जगह पर दोस्तों वाली कॉस ए है ना, तो केवल कॉस स्क्वायर हो जाएगा। इतना समझ में आया ना, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, इन दोनों में कॉमन क्या है दोस्तों, इन दोनों में हम देख रहे हैं कि साइन स्क्वायर ये यहाँ पर भी है, साइन स्क्वायर ये यहाँ पर भी है, दोनों में अवेलेबल है ना, तो दोस्तों साइन स्क्वायर हमने कॉमन कर लिया, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर भी बच गया प्लस ये बाहर आ गया ना, बाहर आ जाता तो यहाँ पे बचेगा दोस्तों साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये अलग बचा हुआ है। अब देखिए साइन स्क्वायर ए इंटू दोस्तों कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वन होता, कभी भी अगर रहे कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी तो वन होगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ये वन होगा, मतलब ये वन हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए का वन में करेंगे तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, अभी बताया हूँ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए वन होता है, और इसका आंसर दोस्तों कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में दोस्तों कुछ नहीं है, बस आपको जो है थोड़ा सा